दर्शकों स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों आज मैं पहुंच चुका हूं डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन जिला यमुनानगर हरियाणा के अंदर। दर्शकों यहां पर जो है संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के 647वें जन्म महोत्सव की जो तैयारियां बड़े जो है अभी से जो है तैयारियां यहां पर शुरू होने जा रही हैं। क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी अब की बार कस्बा बिलासपुर के अंदर यमुनानगर के अंदर, और क्या किस प्रकार से जो है प्रभात फेरी का जो है प्रोग्राम रहेगा, पूरी जानकारी हम यहाँ के महंत जी से हम निर्मल दास जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन जिला यमुनानगर हरियाणा के अंदर, और हमारे सामने अभी उपस्थित हैं यहाँ के महंत श्री निर्मल दास जी महाराज, जो यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी देंगे क्या कुछ अब की बार जो है तैयारियां हो रही हैं और क्या कुछ प्रभात पेरियों का अब की बार जो है प्रारूप जो है बदला है या क्या कुछ इसमें हुआ है। स्वागत है महंत जी आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे अब की बार जो है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं गुरुदास जी महाराज के जन्मोत्सव को लेकर? बोलिए जगत गुरुदास महाराज की जय। देखिए हमारे चैनल से आए हैं उन सब का यहाँ पर आने पर अभिनंदन है डेरा बाबा लाल दास की तरफ से। ये देखिए श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन है। इस कपाल मोचन डेरे के अंदर हर महीने के पहले संडे को सत्संग लगता है, उसमें श्रद्धालुओं को गुरुजी की वाणी से जोड़ा जाता है, नामदान से जोड़ा जाता है, और उसके साथ साथ जैसे गुरु महाराज जी की जयंती 24 फरवरी की आ रही है, हमारे कुछ जिले के गांव हैं जो 40 दिन की भी प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, 31 दिन की भी निकाल रहे हैं, 21 दिन की भी निकाल रहे हैं, और 9 दिन की भी निकाल रहे हैं, 7 दिन की, 5 दिन की भी निकाल रहे हैं। तो हमारा डेरे की तरफ से ये संदेश रहता है कि आप जो प्रभात फेरी है गुरु जी की वाणी से ही गुणगान करते निकालें और बड़े श्रद्धापूर्वक निकालें, गुरु महाराज आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ देगा। और उसके साथ साथ गुरुविदास महाराज जी की हम एक हफ्ता बाद शोभा यात्रा मनाते हैं जो 24 फरवरी के बाद 3 मार्च की है। तो इस 3 मार्च की शोभा यात्रा में हमने सभी को संदेश दिया हुआ है कि अपनी ट्रालियां, बसें, जो भी कैंटर, छोटे हाथी, व्हीकल जो भी हैं बड़े श्रद्धापूर्वक लेके आएँ और कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते ही जाएँ, डिसिप्लिन का ध्यान रखें, और गुरु जी की जो हमारी जो शोभा यात्रा के साथ साथ जो गुरु जी की जयंती है 24 फरवरी को, तो उसमें हमने सभी को कहा कि 2 दिन पहले आप अपने घरों में लड़ियां, दीपक जगाएं और गुरु जी के नीति नियम पाठ करें, गुणगान करें। यही गुरु जी को बहुत बड़ी हमारे गुरु जी के चरणों में दान पुण्य यही है, यही धर्म है, यही कर्म है, यही सेवा है। जैसे गुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल संत मिले, 4 फल सतगुरु मिल जाए तो नेको फल। हमें धर्म करने का मौका सतगुरु जी की जयंती मिल रहा है और सतगुरुओं की सत्संग और जागरण कराने का मौका मिल रहा है, और गुरु जी के मंदिरों में साफ सफाई, उसके साथ साथ लड़ियाँ लगाकर, दीपक जगाकर गुरु जी को वहाँ पर गुरु की वाणी से ही जाप करने का मौका मिलेगा, शीस नवाने का मौका मिलेगा, नेकों फल हमें मिलेंगे। तो हम साथ संगत को ही संदेश देते हैं कि गुरु जी की जयंती डिसिप्लिन से मनाएं, प्रेम पूर्वक मनाएं, और सभी गुरुओं का, संतों का मान सम्मान करें, ये दास की अरदास रहती है। 24 फरवरी को हमारे यहाँ जो जयंती मनाई जाएगी वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, और 3 मार्च को आप सभी को शोभा यात्रा के रूप में डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन में श्रद्धापूर्वक खुशी खुशी पहुँचना है। आप सभी आमंत्रित हैं, देशवासी, हमारे हरियाणावासी, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, उन सबको 647वीं जयंती की श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास की तरफ से लख लख बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन्यवाद सर। तो दर्शकों ये थे यहाँ पर संत निर्मल दास जी महाराज, जो यहाँ पर जो है जो हम मंत की यहाँ पर जो पदवी पर जो है आसीन है, यहाँ पर डेरे की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है रविदास, गुरु रविदास जयंती महाराज के उपलक्ष्य में जो जानकारी संपूर्ण यहाँ का आसपास का इलाका है, वासी हैं। मैं सभी जनता से अपील करता हूँ, दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर दिन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा कपाल मोचन यमुनानगर हरियाणा।